नमस्ते साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंधुआ मजदूरी कराना आज के समय में बड़ा अभिशाप है और सरकार ने भी बंधुआ मजदूरी को अपराध की श्रेणी में रखकर उसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए हैं, परंतु आज भी मिल, फैक्ट्री व ईंट भट्टे पे लोग बंधुआ मजदूरी करने को विवश हैं। ऐसा एक मामला मिर्जापुर जनपद के मझवा ब्लॉक के महाबलपुर गाँव का है, जहाँ पर 6 मुसहर परिवारों को वाराणसी जनपद के सिकंदरपुर भट्टे पर पिछले 8 माह से बंधुआ मजदूरी कराने पर विवश कर दिए थे। यह सब हाँ साहेब की 2000 रुपया दे के हम सबके ले गए यहाँ से, अब ले जाके वहाँ काम करावे लगे, कादे से खर्चो खुराकी नहीं है, सब बात है। मुसहर हम सब है, बहुत गरीब आदमी है साहेब, हम अपन गरीब रानी है जा सोच के जा माटी धूर में करल जाए तो अपन पेटवा खा लालच गलन जा साहेब ना पेटे के लालच गलन जाए कि अपन भाई लड़का बच्चा आन करल जाए करल जाए तो अपन ना सब्जी रही तो नीमकर रोटी खाल जाए माटी धूर में। हम सबके वहाँ दिक्कत बहुत रहल है, मालिक भी मारा गरिया में, मेठ भी दारू पी के आके जौन हो कि हड़कमबाजी करे बीच बीच में भी हफ्ता के भी, और एक बाद दुख बीमार हो तब दवाई सुई बदे न दें। वह साहेब हमन के जब से यहाँ से गला नहीं जाता तब से बहुत दुर्गति कही ना, मारे के धमकी देना ना, खर्चा खुराकी दिवावा ना, लकड़ी नंद दिवावा, मेठिया पी पी के हमन के मारा गरियावा, घर में से बारे से घर में थोड़ा हाथ पकड़ के ले जा घींच के मारा पीटा ना, खर्चा खुराकी दिवावा, हमन मांग मांग के खात रह जा, हमन का नाना लड़का रह ना ठंडी भर वर आके पथनी जा कहीं जा, हमन हफ्ता में खाली 500 रुपया 400 रुपया देते रहना। सतावत ही है साहब की दुख बीमारी आवे, पैसा कौड़ी न दें सुई दवाई बदे, एकरे बाद जौन हो कि ऑफिस पर ले जा मेठ आवे दारू पी के घेरा के ले जा ऑफिस पर हम सबके मरवावे, गाली भी दे कच्ची पक्की बिटिया बहन रहें तो वहाँ मड़ई में घुस जा मेठ। लड़की की हालत मुझे खराब रहे, ओकरे बाद वहाँ गए, ओकरे बाद मालिक के कहे, मालिक भी हमके मारे 2-3 झापा, उन्हें पीटा भी, हमने बेमानी कही गए साहब। हमन के सवेरे से सांझा ले रही अन्हार ले ईटा पाथल जा, हमन के खर्चा खुराकी ना दे देते रहना, 2000 रुपया लिया जाए के तो हमन के भट्ठा भी ले गई ना, 2000 रुपया देना खाली ददनी दे ले हन, ईटा पाथल सांझ ले अन्हार ले साहब, हमन के खाली 500 रुपया दे खुराकी, भट्ठा में झोंके का ना लकड़ी दे ना ईंधन दे, दारू पी ले तो ना बिटिया चिन्ह ना पतो चिन्ह, कितना बर्दाश्त कर ले साहब हमन के, हमन से ना हो कुल पैसा तो हमसे सबसे मांगा था उल्टा, कहा था कि 80-80 हजार 90-90 हजार तू सब खा गई जौन हो कि पैसा आके भरा यहाँ भट्ठा पर, और जितना हमारे सबको निकलत उतना उल्टा बतावत हैं, बहुत अथवा कर छड़कानी कर हाँ जबरदस्ती करत रह नमन के संगे नहीं साहब, हमन गरीब हैं तो हमन कहाँ कुल कर हमन के ना पढ़ले बाणी ना लिखले बाणी जा, हमन के तो माटी धूर में करे वाला खाए वाला मजूरा बाणी जा साहब। इस समस्या मैंने बैठक की और इन परिवारों को ईंट भट्टे पर से बधुआ मजदूरी से मुक्त कराने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार करके जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी को आवेदन दिया गया, परंतु उचित कार्रवाई होने से पहले ही इन सभी पीड़ित परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए ईंट भट्टे से मजदूरन भागना पड़ा। हाँ खाली खोनो पर कहाँ साहेब देते रहना मन की ना देते रहना मन के, तो यहाँ वहाँ मांग मांग के खाते रहनी साहेब, जबरदस्ती काम कराओ तो हाँ बहुत जबरदस्ती ना भी वाला तो उल्टा सीधा बहुत गाड़ी दे, उल्टा सीधा गाड़ दिया देख तो मन के मट्टी पथवावा मट्टी भेवावा तो मन के मुनिहार ले मट्टी पाथा सवेरे के लगल लगल हाँ शाम तक काम करते रहिए साहेब, मन के अन्हार हो जा 6 बज जा 7 बज जा मजूरी को दीवा दे साहेब, बहुत कल्पत हैं जामन का साहेब, घामे ठंडी ठंडी पाथ के ना ना लड़का रोआ के हमन के बहुत बहुत दुर्गति के ना बहुत मारे थे मारे ना मन के, हमन के आदमी के भट्ठा में जाके झोंकत रहना, अपन कैसे जान बचा के अपन भागी नहीं गरीब रह जा साहेब, इज्जत के लालच पैसा ना ही देते हैं, पैसा मांगे जाते हैं तो मारे के धमकी आते हैं हम सबके, लड़का लेके हम सब लेके भाग गया गाड़ी पैसा ना ही दे हैं, आए हम सब घर के दे पैसा। इन पीड़ित परिवारों के साथ मैंने बैठक की और यह तय हुआ है कि इन सभी परिवारों की बकाया मजदूरी के लिए जिला अधिकारियों को पुनः आवेदन दिया जाएगा।
मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इनकी बकाया मजदूरी का भुगतान हो सके। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।